सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुशा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और अभी जैसे कि काफ़ी दिनों से मतलब चल रहा है फ़लस्तीन का मसला, तो गाज़ा फ़लस्तीन के लिए मतलब ऊपर इसराइल वाले एकदम कहर मतलब बरसा रहे हैं। तो इसी वजह से मतलब हर स्टेट में, हर तालुके में दुआएँ हो रही है। तो हमारे औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ का इंतज़ाम रखा गया, इज्तिमाई दुआ का। तो बहुत खुशी की बात है कि मतलब लोग जज्बा ले रहे हैं, ये सब चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अभी अपन जा तो नहीं सकते, बट उनको दुआओं के ज़रिए, इसके ज़रिए मतलब सपोर्ट कर रहे हैं और स्टैंड ले रहे हैं। तो गाइस, काफ़ी लोग आने वाले हैं लाखों के मजमे में, और बहुत मतलब दुआ भी होगी। अब वो किसकी दुआ है वो तो मेरे को उसका आइडिया नहीं है, बट दुआ होगी और जो भी होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ पहले आमखास मैदान की ओर, क्योंकि वो दुआ रखी गई है आमखास मैदान पर। अभी मैंने आते आते देखा, तो अभी मैं जा रहा हूँ आमखास और देखते हैं वहाँ का मतलब क्या मशगूलियत है वहाँ की लोगों की, और किस तरीके से मतलब किया जा रहा है और क्या हो रहा है, मतलब वो सब डिटेल आप लोगों को वहाँ जाने के बाद मैं दे दूँगा। तो चलिए फटाफट निकलते हैं बिना देरी करें और मिलते हैं आमखास मैदान पर। सो गाइज, अभी हम हैं देखो आमखास से थोड़ा सा पहले, तो ये साइड में पार्किंग वगैरह का भी इंतज़ाम दिया है और मैदान तो आगे है। देखो ये साइड में पूरा पार्किंग है, पार्किंग जोन, और आने जाने वालों को कोई परेशानी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सब एकदम मस्त है, इंतज़ाम में मेरे को पूरी गाड़ियाँ लगी हैं यहाँ पर भी। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइज, मैं पहुँच गया हूँ आमखास मैदान और ये है देखो पूरा पार्किंग जोन, और मैंने यहाँ पर गाड़ी मेरी पार्क कर दिया हूँ और पूरा आगे तक वही है। सो गाइज, देखिए कैसे रोड पर ये इसराइल के फ्लैग्स पड़े और बहुत तगड़ा बायकॉट किया जा रहा है इसराइल का। तो आप लोग भी बायकॉट करें और इनके प्रोडक्ट से बचें। तो गाइस देखो यहाँ पर पूरी पब्लिक ही पब्लिक बैठी है यहाँ से ऊपर तक और अंदर। सो गाइस, मैंने यहाँ पे देखा कि पुलिस का भी इंतज़ाम है और सब अपना काम एकदम बराबर कर रहे हैं और बहुत अच्छा मतलब इंतज़ाम किया ये लोगों ने। ना ट्रैफिक का कोई मसला हो रहा है, ना कोई पब्लिक को किसी को तकलीफ हो रही है। बहुत गाइस, पार्किंग का इंतज़ाम बड़ा तगड़ा है देखो यहाँ भी। और मैं वहाँ से गाड़ी पार्क करके थोड़ी दूरी पे गया, मतलब थोड़ा आगे गया, तो मैंने देखा यहाँ पर जगह 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 जगह, क्या बात है भाई, लोग बैठे हैं लाखों की तादाद में। मजमा मैदान में भी है और यहाँ पर भी लोग काफ़ी सारे बैठे हैं और सब दुआओं का इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत ही मतलब मंज़र देखकर तो बहुत ही एकदम खौफनाक लग रहा है कि मतलब एक साथ इतने लोगों को अल्लाह ने यहाँ जमा कर दिया है उनके लिए दुआ करने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, सब औरतें हैं, सब मस्तूरात हैं ख़वातीन यहाँ पे, और वो साइड में बीच में बैरिकेड्स हैं और वो साइड में मर्द हजरात हैं। तो बहुत बहुत खूब, और देखो इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, नौजवान भी हैं और बहुत से लोग हैं बेचारे, मुसाफिर भी है। अल्लाह कब किसकी दुआ सुन ले, कोई भरोसा नहीं है। तो हम भी हमारा वक्त लेकर थोड़ा सा आए थे कि चलो मतलब जाते हैं, सब जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। सो गाइस, अभी बस दुआ स्टार्ट होने में ही है, तो चलिए मैं भी जाता हूँ फटाफट अपना एक कोई किनारा करके मैं भी बैठ जाता हूँ। तो चलिए फटाफट इसके लिए नीचे जाना पड़ेगा। और गाइज, मैं जब अंदर जा रहा था तो देखो मैंने यहाँ पर देखा कि फ़लस्तीन का माशाल्लाह कितना बड़ा फ्लैग इन लोगों ने बनाया है, माशाल्लाह। सो गाइज, आप सब दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर बोलना। तो चलिए हमारे
हमें सुन रहा है, फलस्तीन की सारी जिंदगी मलाई करी कोई
Hey!
सो गाइज यहाँ खड़ी है मेरी बाइक और मैं भी अब जा रहा हूँ घर पे। तो गाइज मैंने जाते जाते रास्ते में देखा कि माशाल्लाह मतलब कितनी तैदाद में ख़वातीनों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कितनी तैदाद में अपना घर बार बच्चे छोड़ छाड़ के बेचारे लोग आए। देखो माशाल्लाह अल्लाह इनकी सबकी मगफिरत करे और जो नहीं आ पाए अल्लाह उन सबकी भी मगफिरत करे और जितने लोग ये देख रहे हैं अल्लाह उन सबकी भी मगफिरत करे और उसमें हमारा भी हिस्सा रखे। तो ये देखो माशाल्लाह और कहाँ तक है देखो सब बेचारे हमारी बहनें माएँ सब पैदल पैदल आए थे। कहाँ कहाँ से आए होंगे बेचारे दूर दराज से सब आए जिसमें कॉलेज के बच्चे थे लड़कियाँ थे टीचर्स थे डॉक्टर्स थे कहाँ कहाँ से लोग बेचारे आए होंगे। देखो क्या जज्बा है इन लोग का भी माशाल्लाह। तो अल्लाह क्योंकि देख रहे हैं सब दिन ब दिन के मतलब इतना सब चल रहा है वहाँ की औरतों पे इतना कुछ हो रहा है तो क्या हम कम से कम पैदल नहीं जा सकते। तो इन लोग का जज्बा देखिए तो बहुत सारे देखो और कहाँ तक है देखो खाली और पीछे भी बहुत है। तो ये सब भी आए थे इन लोग भी नारे लगा रहे थे और इन लोग ने भी मतलब स्टैंड लिया काफ़ी। तो ये देखो और ये वहाँ से आम खास से तो पूरा कलेक्टर ऑफिस तक पूरे मस्तूरात ही मस्तूरात और पहले मस्तूरात को छोड़े फिर मर्द। सो गाइज मैं आ गया घर पे और आम खास में थी इज्तिमाई दुआ। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और गाइज जहाँ भी जहाँ कहीं भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ें उठाई जा रही है जहाँ स्टैंड लिया जा रहा है तो गाइज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप दिन भर इतना मोबाइल में मतलब अपन टाइम एक्सपेंड करते ही है तो गाइज़ थोड़ा बहुत हिस्सा उन लोगों के लिए भी बने ताकि कल कयामत के दिन जब अपने से पूछो तो अपन बोल सके कि हाँ भाई हमने ये किया था। और आप अपने घर में रह कर भी दुआ कर सकते हैं उनके लिए और बहुत सारे मतलब जगह जगह अभी तो स्टैंड ले रहे हैं तो गाइज प्लीज़ इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और अभी अपन तो वहाँ पर जा नहीं सकते बट अपन घर पर रह के उनके लिए दुआ वगैरह वो सब कर सकते हैं तो गाइज प्लीज़ करिए। और ये जो चल रहा था मतलब तो बहुत रोए मौलाना ने भी और बहुत लोगों ने बहुत रोए बहुत मतलब वो था और ख़वातीन का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं आने जाने वालों को कोई तकलीफ़ नहीं पार्किंग की कोई तकलीफ़ नहीं तो बहुत अच्छा इंतज़ाम किए थे। तो जिसने भी किया है उसको दिल से सलाम और जितने लोग अपना टाइम निकाल कर आए उन लोग को भी अल्लाह हर किसी का नसीब बुलंद करे और अल्लाह फ़लस्तीन के लोगों पर रहम करे। तो चलिए गाइज फिर कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।